तो मैं दोबारा बताता हूं कि हमने एरे फॉर्मूला में क्या किया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि बिटवीन टू डेट्स हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ संडे कितना है, नंबर ऑफ या कोई पर्टिकुलर डेज कितना है, ये इस बात की हमें कैलकुलेशन करनी थी। हालांकि अगर 2016, 13 और 10 यूज करते हो तो एक मेथड है, हमारे पास एक नेटवर्क डेट डॉट आईएनटीएल का फॉर्मूला है जो कि बिटवीन टू डेट का डिफरेंस निकालता है नंबर ऑफ किसी भी पर्टिकुलर डेज को स्किप करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे आईएनटीएल और सैटरडे को मैंने स्किप कर दिया है, तो विद सैटरडे कितना था और विदाउट सैटरडे कितना डेट था, उसमें से आपस में माइनस करके आप उसको कर सकते थे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 2007 में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि netbirthday.intl का फंक्शन 2010 ऑनवर्ड है, तो आपको 2007 में इसका नहीं मिलेगा। तो अगर 2007 में अगर मुझे इसको करना हुआ तो हम कैसे करें? तो उसके लिए हमने एरे फॉर्मूला का सजेस्ट किया। तो एरे कंसेप्ट क्या था कि पहले हम पूरा डेट लिखेंगे, फिर टेक्स्ट फॉर्मूला लगा के। सर दोबारा से ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज दोबारा से ब्रेक हो रही है सर, लग रहा है इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है सर। वो वैसे सर वॉइस कर सकते हैं सर, जैसे इसमें ऑप्शन है नॉर्मल कॉल करने का? नहीं, वो कॉलिंग का स्लिप नहीं है ना मेरे पास, वो उसके लिए टेलीफोन इंटरनेट नंबर लेना पड़ता है। हाँ इसमें सर एक एक नंबर तो देता है वो अमेरिका का, मतलब पर अगर आपके एंड से अगर ऐसा आ रहा है। हाँ तो फिर वो डायलिंग नहीं कर सकते सर, वो इंटरनेशनल कॉल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो पीसी फोन होता है ना एक तरह से, उससे उसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, मतलब सर ऐसे मेरे को तो इंटरनेशनल फोन ठीक पड़ेगा, मतलब ज्यादा चीप पड़ेगा इंडिया से भी अमेरिका, बट क्योंकि आपके एंड से ही नेटवर्क ऐसे आ रहा है ना सर, तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, वो भी हो सकता है कि। हाँ जी नहीं, कल तो बिल्कुल क्रिस्प थी सर आवाज, ऐसे मतलब बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम, भी क्लास ले रहा था ठीक अभी थोड़ा देर पहले ही, ठीक है मैं नेटवर्क क्लीन करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। हेलो, दीपक जी, दीपक जी। हाँ जी सर। अब ठीक है आवाज मेरी? वैसे ही सर। नहीं सर तो भी ठीक नहीं है, तो ठीक मैं आपको दोबारा मेल करता हूँ, मैं रीज्वाइन करते हैं सर बाद में आप मैं भी दोबारा भेजता हूँ सर, मैं पीसी रीस्टार्ट कर लेता हूँ।